दोस्तों, पेलिकन को समुद्र के सबसे बड़े पक्षियों में शामिल किया जाता है। अमूमन इसका वजन 10 किलो तक हो जाता है, लेकिन भारी वजन होने के बावजूद भी यह पक्षी उड़ने में माहिर होता है। इसके पीछे का कारण है इसके मजबूत पंख, जो 11 फीट तक का फैलाव रखते हैं। अपने इन विशालकाय पंखों के कारण तेज हवाओं में भी यह पक्षी सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। पेलिकन बिना रुके कई दिनों तक उड़ते हुए देखे गए हैं। कुछ जानकार तो यहां तक कहते हैं कि यह पक्षी उड़ते समय भी सो सकता है। लेकिन इस विशालकाय पक्षी की पहचान सिर्फ इनके मजबूत पंख नहीं है, बल्कि पेलिकन की खास पहचान है इसकी चोंच और गले से मिलकर बनी थैली। इस थैली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कभी भी कोई बड़ा शिकार पकड़कर डाला जा सकता है, और एक बार यदि कोई शिकार थैली में फंस गया तो पेलिकन उसे आसानी से पेट तक पहुंचाकर अपनी पूंछ शांत कर लेता है। हालांकि पेलिकन इसका इस्तेमाल भोजन का संग्रहण करने के लिए नहीं करते, बल्कि इसकी यह थैली मछली पकड़ने में एक जाल के समान काम करती है। अपनी थैली को फैलाकर काफी मात्रा में पानी अपनी चोंच में भर लेते हैं। पानी के साथ साथ कुछ मछलियां थैली में आ जाती है। उसके बाद पेलिकन पानी को अपनी चोंच से बाहर निकाल देता है और मछलियों को डकार जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन पेलिकन की लचीली चोंच एक बार में 12 लीटर पानी को अपने भीतर एकत्रित कर सकती है। हालांकि छोटी मछलियों और कई तरह के छोटे पक्षियों को निगलने के लिए तो पेलिकन की चोंच पर बनी थैली एक शानदार तकनीक कही जा सकती है, लेकिन कई बार पक्षी की यह थैली इसके लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर देती है। दरअसल पेलिकन की थैली ने इसे अति आत्मविश्वास से भर दिया है, तभी तो यह पक्षी अपने से बड़े जीवों पर भी हमला कर देता है, जैसे कि कछुए। पेलिकन भले ही कछुए को अपनी थैली में कैद कर ले, किंतु इसकी चोंच कछुए के कठोर खोल को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। इसी वजह से कई बार कछुए को खाने के प्रयास के चलते पेलिकन की चोंच टूट जाती है। साथ ही सीधा दिखाई देने वाला कछुआ खुद एक बहुत चालाक शिकारी है। अनेकों बार कछुआ पेलिकन की थैली फाड़कर खुद ही बाहर निकल आता है। इसकी थैली फटने का मतलब इसकी मौत ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, यह पक्षी थैली फटने के मिले दर्द के कारण मर जाता है। पेलिकन की थैली काफी पतली होती है, जिसके फटने पर भी कोई गंभीर जख्म नहीं होता, किंतु जब पेलिकन भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो भोजन और पानी इस थैली से होकर उसके पेट तक जाता है। लेकिन थैली फटने की वजह से पानी और भोजन उसकी चोंच से होता हुआ नीचे गिर जाता है, जिस वजह से यह पक्षी भूखा ही रह जाता है और भूख के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी मछली पकड़ने के जाल में लगा हुक या इंसानों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक जैसा कूड़ा को निगलने के चक्कर में भी पेलिकन की थैली फट जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों एक नाविक को एक ऐसा ही पेलिकन मिला था, जिसकी थैली में बहुत बड़ा छेद हो गया था। इस पक्षी को नाविक हॉस्पिटल ले गया, जहां फिर से इसकी थैली को ठीक करने के लिए 200 से ज्यादा टाके लगाकर ठीक किया गया। वैसे पेलिकन को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ कहना गलत नहीं होगा। पेलिकन अकेले और समूह में शिकार करते हैं। तैरते समय इसके समूह का आकार यू शेप का होता है। ये बेहद ही भूखड़ पक्षी है। ये उन सभी को खाने की कोशिश करता है जो इसकी चोंच में आ जाए, और उसको भी जो चोंच में ना आए। दोस्तों, पेलिकन को तो यहां तक नहीं पता कौन सी चीज खाने की है और कौन सी नहीं। कई बार तो इस पक्षी की मौत काफी बड़े शिकार को खाने के चक्कर में हो जाती है। यह पक्षी शिकार को अपनी थैली में कैद तो कर लेता है, लेकिन उसे निगलने में इसकी मौत हो जाती है। असल में इसके गले पर बनी यह थैली इसके पेट से भी बड़ी होती है, इसलिए यह पक्षी उस हर चीज को खाने का प्रयास करता है जो इसकी थैली में आ जाए। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।